औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वातिज़ु मन तशा वतज़िलु मन तशा बिजादिकल खैर इन्नका अला कुल्ली शाइन कदीर। अहलिया ने हदाली जोराबाद, मेरी धरती मेरी मिट्टी दे प्यारे दोस्तों बुजुर्गों साथियों, अस्सलाम वालेकुम। खालिकदार भट्टी साहब मेरा भिरा, सतवां सालाना मुशायरा और कामयाब बतदरीज कामयाब तो कामयाब तार कामयाब तरीन मुशायरे करावण ते उस बंदे नूं मुबारकबाद पेश करने आ, उस वास्ते स्पेशल क्लैपिंग होनी चाहिए। और मेरा छोटा भाई अल्लादाद, उसकी शादी खानाबादी अल्लाह ताला उसकी जिंदगी दराज करे, उसकी शादी दे विच बरकत और अमन अल्लाह हर दिन उस वास्ते सादत मन सादत वल होवे। और मेरे खास तौर पर मैं शुक्रिया अदा कर सा मेरी आवाज़ ते लबैक आखण वाले तशरीफ गिरन वाले तमाम शुरा कराम, खसूसन जनाब भाई कासिम कलवाण साहब, रिया जनाब भाई असमत गुरमानी साहब, मुनीर बलोच, मोमिन मौलाई, काविश तमीमी, मदर बेदार, आसिफ भाई, जनाब नाजिम साहब, अख्तर हसरत साहब और उन्होंने नाल आए तमाम सीनियर शुरा कराम, आबिद असीर, इन सारे दोस्तों का मैं शुक्रिया अदा कर। टाइम बहुत हो गया, मुशायरा वो है जड़ा हो गया, हर किस्म के ख्याल शुरा ने इतने बयान किए और सुनने वाले चस्का दी, सुनावन चस्का दी। हूँ मैं सिर्फ बरकत वास्ते कुछ शेर, मेरे वास्ते बड़े फख्र की गल है कि खास तौर पर मेरे शागिर्द जितने भी हैं उन्होंने बहुत अच्छा मुशायरा पढ़िया वा, तो सुपर स्टार है जनाब कासिम कलवाणा साहब, मोमिन मौलाई साहब, अल्लाह तआला इन्हां नूं होर तरक्की देवे। मैं एक नातिया शेर पढ़ता पाया, बस उसनों सही करके सुनना में मैं अपना कीदा बयान करता पाया। इस दौर का सब तो वड्डा मसला, सब तो वड्डा कीदा, वो एक शेर पढ़ता पाया, मैं उससे सही करके सुनना चाहे उतू मैं पता ही लग पैना कि मैं दो चार मिनट की हाजिरी देसा। रुतबा बशर दा दो चंद कर दिता है, बशर नूर दे विच पैबंद कर दिता है। उमर दराज मस्तियाल, रुतबा बशर दा और रुस्तम जाया, इस दौर का सब तो वड्डा उभर दोया स्टेजर शायर साड़ा अजीज साड़ा बिरा रुस्तम जाया, उसकी स्पेशल शुक्रिया। रुतबा बशर दा दो चंद कर दिता है, बशर नूर दे विच पैबंद कर दिता है, सिदरा नू जेरे कमंद कर दिता है, जिक्र तैदा इतना बुलंद कर दिता है, मलाइका नू पल पल पाबंद कर दिता है, पवा के खुदा तैनू ताजे नबूवत नबूवत दा दरवाजा बंद कर दिता है। मेहरबानी जनाब, बिस्मिल्लाह जी, जिंदाबाद जनाब अब्दुल वाहिद साहब, जनाब भाई सईद फराम माड़ीचा सगीरा जिला झांग, उन्होंने स्पेशल शुक्रिया तशरीफ गिनाए। और खास तौर पर भट्टी बरादरान सारे जनाब बेलौस साहब, अपना मुखलिस साहब मसूद मुखलिस साहब, मैं फर्दर फर्दर जितने शोरा का शुक्रिया अदा करना थोड़ा वे कि मैं एक टाइम चूंकि इबादत का बहुत ज्यादा मुशायरा लंबा थी गया, तो इस वास्ते मैं एक इबादत के तौर पर दरूद शरीफ की फजीलत बयान करना पाया। उस तो पहले एक दरूद शरीफ अगर पढ़ लो तो मेरे वास्ते भी सादत की गल है। काविश तमीमी, एक हस्ती दावा करे दी शहर चैलेंज करे दा कसम करवाना, हस्ती दा दावा सुनना शहर दा चैलेंज सुनना। और हस्ती वाकई इतनी अजीम है, इतनी ताकतवर है, दावा है जिब्रील दा शहर उस चैलेंज कर रहा कि जमीन दे जर्रे फलक दे तारे शजर दे पत्रे बहर दे कतरे। जनाब मेहरबानी नाजिम साहब, जमीन दे जर्रे फलक दे तारे शजर दे पत्रे बहर दे कतरे, तैदा दावा है जो एक सेकंड दे लख वेस्ते गिण छुड़े ना, पहाड़ सहरा ते दरिया सारे ते कहकशामा दे भार भारे, तू अख छिमकर तू पहले पहले जतोल गिनना जमीन छुड़े ना, ए जिब्राइल अमीन दावा नाकाम करा तबत मने से, तेरी जहानत दी कंप्यूटर नु जाम करा तबत मने से, शुमार करना सवाब उसदा जिसे जाते मौजूद बैठे, खुदा दा बंदा नबी दमती नबी ते पढ़दा दरूद बैठे। बिस्मिल्लाह जी, जिंदाबाद। शुमार करना सवाब उसदा जिससे जाते मौजूद बैठे, खुदा दा बंदा नबी दमती नबी ते पढ़दा दरूद बैठे। तोड़े में दौड़ा नवा ख्याल जनाब कासिम कलवाणा साहब, किस दौर जदीद दी मंडी विच मस इज्जत बचा के वल आया। आसिफ भाई जनाब जी बिस्मिल्लाह, कासिम कलवाणा, इस दौर जदीद दी मंडी विच मस इज्जत बचा के वल आया, हर खैश नु सबर दी सूली ते पुट्ठा मैं लटका के वल आया, हर खैश नु सबर दी सूली ते पुट्ठा मैं लटका के वल आया, मैं भी रास तरक्की गिनन गया, मैं भी रास तरक्की गिनन गया, फौरन पछता के वल आया,
ਉਹ ਪਗੜੀ ਵੇਚ ਕੇ ਮਿਲਦੀ ਹਾਈ ਮੈਂ ਲਾਨਤ ਪਾ ਕੇ ਵਾਲਾ ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਜਨਾਬ ਭਾਈ ਸਮੀਉਲਾ ਸਾਹਿਬ ਸਮੀਉਲਾ ਮਾਨ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜਨਾਬ ਬਿਸਮਿਲਲਾ ਜੁਲਿਆ ਅਗਰ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਅਗਰ ਇਸ ਤੋੜਨ ਮੁਕਰਰ ਰੱਖ ਸਕਣ ਕਲੈਪ ਕਰ ਸਕਣ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਸਕਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੌੜਾ ਮੁਕਰਰ ਕਰ ਸਕਣ ਨਾਜ਼ਮ ਸਾਹਿਬ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜਨਾਬ ਜੀਓ ਜਨਾਬ ਇਸ ਦੌਰ ਜਦੀਦ ਦੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਜਨਾਬ ਰਮਜ਼ਾਨ ਭਾਈ ਇਸ ਦੌਰ ਜਦੀਦ ਦੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਮਸੇ ਇੱਜ਼ਤ ਬਚਾ ਕੇ ਵੱਲ ਆਇਆ ਹਰ ਖੈਸ਼ ਨੂੰ ਸਬਰ ਦੀ ਸੂਲੀ ਤੇ ਪੁੱਠਾ ਮੈਂ ਲਟਕਾ ਕੇ ਵੱਲ ਆਇਆ ਮੈਂ ਵੀ ਰਾਸ ਤਰੱਕੀ ਗਿਣਨ ਗਿਆ ਫੌਰਨ ਪਛਤਾ ਕੇ ਵੱਲ ਆਇਆ ਉਹ ਪਗੜੀ ਵੇਚ ਕੇ ਮਿਲਦੀ ਹਾਈ ਮੈਂ ਲਾਨਤ ਪਾ ਕੇ ਵੱਲ ਆਇਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ ਮਹਿਲ ਇਹਦੇ ਕੁਲੜੀ ਹੈ ਸਹੀਦ ਭਾਈ ਉਹਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ ਮਹਿਲ ਇਹਦੇ ਕੁਲੜੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਗੇਣ ਸ਼ੁਮਾਰ ਚ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ ਜਦੋਂ ਤੋਲ ਕਰੇ ਸੇ ਵੱਧ ਪੋਸੀ ਬਸ ਦਿਸਣ ਦੀ ਭਾਰ ਚ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ ਔਰ ਗੁਰਬਤ ਦਾ ਗੈਰਤ ਸਰਮਾਇਆ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਲੱਖ ਹਜ਼ਾਰ ਚ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ ਭਾਵੇਂ ਰਾਜ ਗਰੀਬ ਸਰੀਰ ਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੀ ਪੱਗ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ ਭਾਵੇਂ ਰਾਜ ਗਰੀਬ ਸਰੀਰ ਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੀ ਬਿਸਮਿਲਲਾ ਜੀਓ ਔਰ ਦਰਦ ਮੰਦਨ ਸਲਾਮ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦਾ ਕਸਮ ਕਲਵਾਣਾ ਦਰਦ ਮੰਦਨ ਸਲਾਮ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਪੱਥਰ ਕਲਾਮ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦਾ ਦਰਦ ਮੰਦਨ ਸਲਾਮ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਪੱਥਰ ਕਲਾਮ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦਾ ਔਰ ਤੇਰੇ ਮਜਨੂ ਤਵਾਫ ਦੀ ਖਾਤਰ ਬਣ ਕੇ ਆਏ ਹਨ ਆਰਾਮ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦਾ ਤੇਰੇ ਮਜਨੂ ਤਵਾਫ ਦੀ ਖਾਤਰ ਬਣ ਕੇ ਆਏ ਹਨ ਆਰਾਮ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦਾ ਔਰ ਕਹੀਂ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਚ ਰੱਖ ਛੁੜੇ ਨਾ ਹੈ ਰਾਜ਼ ਡਿੱਠਾ ਹੀ ਅੰਜਾਮ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦਾ ਕਹੀਂ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਚ ਰੱਖ ਛੁੜੇ ਨਾ ਹੈ ਰਾਜ਼ ਡਿੱਠਾ ਹੀ ਅੰਜਾਮ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦਾ ਔਰ ਕੌਣ ਰੱਖੇ ਹਿਸਾਬ ਪੱਥਰ ਦਾ ਗੱਲ ਗੱਲ ਤੇ ਜਵਾਬ ਪੱਥਰ ਦਾ ਕੌਣ ਰੱਖੇ ਹਿਸਾਬ ਪੱਥਰ ਦਾ ਗੱਲ ਗੱਲ ਤੇ ਜਵਾਬ ਪੱਥਰ ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਨਾ ਕਸਮ ਕਰਵਾਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਨੇ ਚ ਮੋਮ ਰੱਖਿਆ ਸੱਚਾ ਕਹਿੰ ਕੁ ਦਿੱਤਸ ਅਜ਼ਾਬ ਪੱਥਰ ਦਾ ਕਹਿੰ ਕਿ ਸੀਨੇ ਚ ਮੋਮ ਰੱਖਿਆ ਸੱਚਾ ਕਹਿੰ ਕੁ ਦਿੱਤਸ ਅਜ਼ਾਬ ਪੱਥਰ ਦਾ ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਬੋਸੇ ਕੁ ਸਾਲ ਥੀ ਗਏ ਪਿਛਲੇ ਬੋਸੇ ਕੁ ਸਾਲ ਥੀ ਗਏ ਰੰਗ ਕਰਾਂ ਵਤ ਖਰਾਬ ਪੱਥਰ ਦਾ ਪਿਛਲੇ ਬੋਸੇ ਕੁ ਸਾਲ ਥੀ ਗਏ ਰੰਗ ਕਰਾਂ ਵਤ ਖਰਾਬ ਪੱਥਰ ਦਾ ਔਰ ਰਸਮੇ ਦੁਨੀਆ ਨਿਭਾ ਗਿਆ ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਵੀ ਮਾਰੇ ਗੁਲਾਬ ਪੱਥਰ ਦਾ ਰਸਮੇ ਦੁਨੀਆ ਨਿਭਾ ਗਿਆ ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਵੀ ਮਾਰੇ ਗੁਲਾਬ ਪੱਥਰ ਦਾ ਆਖਰ ਤੇ ਦੋ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਹਾਲਾਤ ਹਜ਼ਰਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਸ਼ਾਇਰਾ ਕਾਮਯਾਬ ਮੁਸ਼ਾਇਰਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਮੁਸ਼ਾਇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਆਖਰੀ ਦੋ ਸ਼ੇਰ ਪੜਦਾ ਪਿਆ ਸਿਰਫ ਹਾਲਾਤ ਹਜ਼ਰਤ ਹੈ ਇੱਕ ਸਾਨੇ ਸਹੀ ਗਾਲ ਕਸਮ ਕਰਵਾਣਾ ਤੇਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਹੀ ਬਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਆਸਿਫ ਖਾਨ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਸੁਕਮ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਮੈਂ ਇਤਜਾਜ਼ਲ ਸ਼ੇਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਜਿੱਥਵਾਂ ਮਜ਼ਲੂਮ ਟੱਕਰ ਮਾਰਨ ਕੋਈ ਅਦਲੀਆ ਜਈ ਦਹਿਲੀਜ਼ ਬਣਾਏ ਜਿੱਥਵਾਂ ਮਜ਼ਲੂਮ ਟੱਕਰ ਮਾਰਨ ਕੋਈ ਅਦਲੀਆ ਜਈ ਦਹਿਲੀਜ਼ ਬਣਾਏ ਜਾਂ ਸ਼ਾਇਰ ਨੂੰ ਗੁੰਗਾ ਕਰ ਛੋੜੇ ਕੋਈ ਪੀਰਨੀ ਨਾਕ ਤਾਵੀਜ਼ ਬਣਾਏ ਜਾਂ ਸ਼ਾਇਰ ਬਿਸਮਿਲਲਾ ਜੀਓ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕਸਮ ਕਰਵਾਣਾ ਜਿੱਥਵਾਂ ਮਜ਼ਲੂਮ ਟੱਕਰ ਮਾਰਨ ਕੋਈ ਅਦਲੀਆ ਜਈ ਦਹਿਲੀਜ਼ ਬਣਾਏ ਜਾਂ ਸ਼ਾਇਰ ਨੂੰ ਗੁੰਗਾ ਕਰ ਛੋੜੇ ਕੋਈ ਪੀਰਨੀ ਨਾਕ ਤਾਵੀਜ਼ ਬਣਾਏ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਮਾਰਿਆ ਹਾਈ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਸਾਂ ਮਾਰਿਆ ਹੈ ਤੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਏ ਜੀਓ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਮਾਰਿਆ ਹਾਈ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਸਾਂ ਮਾਰਿਆ ਹੈ ਤੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਏ ਉਮਰ ਦਰਾਜ਼ ਮਸਤੀਆਲ ਕਿ ਨਵੇਂ ਦੌਰ ਦੀ ਮਾਲਕੇ ਲਾਲੀ ਉਆ ਚੋਰ ਪੁਰਾਣੇ ਚਾਲੀ ਖਲਕਦਾਰ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਨਵੇਂ ਦੌਰ ਦੀ ਮਾਲਕੇ ਲਾਲੀ ਉਆ ਚੋਰ ਪੁਰਾਣੇ ਚਾਲੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਮਾਚਸ ਖਾਲੀ ਕੰਮ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀ ਤੀਲੀ ਕਾਇ ਨਹੀਂ ਖਾਨ ਜੀ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਕਾਇ ਨਹੀਂ ਉਤਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸਮੀਉਲਾ ਖਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਮੈਂ ਸ਼ੇਰ ਪੜਦਾ ਪਿਆ ਔਰ ਤਬਦੀਲੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਨੇ ਜ਼ਬਰ ਪੜਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਸਟੇਜ ਛੜਦਾ ਪਿਆ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਜਨਾਬ ਸਮੀਉਲਾ ਖਾਨ ਤੇਡੇ ਮਿਜ਼ਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਨਵੇਂ ਦੌਰ ਦੀ ਮਾਲਕੇ ਲਾਲੀ ਉਹਾ ਚੋਰ ਪੁਰਾਣੇ ਚਾਲੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਮਾਚਸ ਖਾਲੀ ਕੰਮ ਦੀ ਹਿੱਕੀ ਤੀਲੀ ਕਾਇ ਨਹੀਂ ਖਾਨ ਜੀ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਕਾਇ ਨਹੀਂ ਔਰ ਆਖਰੀ ਨਜ਼ਮ ਪੜਦਾ ਪਿਆ ਤਬਦੀਲੀ ਹੈ ਕਿਆ ਕਿ ਦਿਲ ਮੇ ਖੌਫ ਖੁਦਾ ਕਾ ਹੈ ਔਰ ਲਬ ਪੇ ਕੌਮ ਕਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਦਿਲ ਮੇ ਖੌਫ ਖੁਦਾ ਕਾ ਹੈ ਔਰ ਜਨਾਬ ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਰਿਆਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਰਿਆਜ਼ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਸਪੈਸ਼ਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਦਿਲ ਮੇ ਖੌਫ ਖੁਦਾ ਕਾ ਹੈ ਔਰ ਲਬ ਪੇ ਕੌਮ ਕਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਭੁੱਖ ਔਰ ਪਿਆਸ ਸੇ ਮਰਨੇ ਵਾਲੇ ਕੁੱਤੇ ਕੀ ਵੀ ਫਿਕਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਭੁੱਖ ਔਰ ਪਿਆਸ ਸੇ ਮਰਨੇ ਵਾਲੇ
कुत्ते की भी फिक्र है जिसके एक ही खत के दर से दर्जा हुक्मन बहते हैं, तुम क्या जानो तब्दीली तब्दीली इसको कहते हैं। जिंदाबाद। तुम क्या जानो तब्दीली, दिल में खौफ खुदा का है और लब पे जी मेहरबानी उतरा साहब, दिल में खौफ खुदा का है और लब पे कौम का जिक्र है, भूख और प्यास से मरने वाले कुत्ते की भी फिक्र है जिसके एक ही खत के दर से दर्जा हुक्मन बहते हैं, तुम क्या जानो तब्दीली तब्दीली इसको कहते हैं। और से सुना है कि ऐसे मंजर देख के सूरज ढलता और निकलता है, ऐसे मंजर देख के सूरज ढलता और निकलता है, नौकर ऊंट पे बैठा है और मालिक पैदल चलता है। जिंदाबाद जियो। ऐसे मंजर देख जियो जियो कासिम कलवाना जिंदाबाद जनाब सईद भाई। ऐसे मंजर देख के सूरज ढलता और निकलता है, नौकर ऊंट पे बैठा है और मालिक पैदल चलता है, मालिक पैदल चलता है, एक ही कानून के साए में नौकर मालिक रहते हैं, तुम क्या जानो तब्दीली तब्दीली इसको कहते हैं, तुम क्या जानो तब्दीली। जिंदाबाद जियो सलामत रहो नौजवानों। तुम क्या जानो तब्दीली तब्दीली इसको कहते हैं। और लाखों मील अकेली चलती औरत उस जमाने में, लाखों मील अकेली चलती औरत उस जमाने में, उसको देखे किसके पास थी जुर्रत उस जमाने में, उसको देखे किसके पास थी जुर्रत उस जमाने में, बेशक बाप गवर्नर भी हो फिर भी कोड़े सहते हैं। थोड़ी समझ तो कुर्बान। बेशक बाप गवर्नर भी हो फिर भी कोड़े सहते हैं, तुम क्या जानो तब्दीली तब्दीली इसको कहते हैं, तुम क्या जानो तब्दीली तब्दीली इसको कहते हैं। और कैसरो किसरा की सुपर पावर्स को ललकारा था, कपकपाती धरती पर जब उसने कोड़ा मारा था, कपकपाती धरती पर जब उसने कोड़ा मारा था, थम गई थी कांपती धरती, कहने वाले कहते हैं तुम क्या जानो तब्दीली तब्दीली इसको कहते हैं। और एक और शेर जनाब कासिम कलवाना साहब मोमिन मुलाई साहब शेर समाज फरमैसो, एक मैं शेर पढ़ता पिया उर्दू दे विच के वो मालिक है खजानों का जिसे चाहे खजाने दुरुस्तम जाया, तेरी समझ तू कुर्बान। वो मालिक है खजानों का जिसे चाहे खजाने दे, जिसे तकसीम करने दे जिसे जितना लुटाने दे, जिसे तकसीम करने दे जिसे जितना लुटाने दे, मोहम्मद एक खजाना है अली है जिसका दरवाजा, जे दरवाजे की मर्जी है खजाने तक न जाने दे। जिंदाबाद। मोहम्मद एक खजाना है अली है जिसका दरवाजा, अली है जिसका दरवाजा, जे दरवाजे की मर्जी है खजाने तक न जाने दे, ये दरवाजे की मर्जी है खजाने तक न जाने दे। और अगला शेर भी सुनना है कि वफा का दौर अव्वल है, वफा भी मोतबर चाहिए, 1400 साल पहले तारीख ले जाओ, वफा का दौर अव्वल है, वफा भी मोतबर चाहिए, नई तहरीक को एक आसरा भी मोतबर चाहिए, कठिन राहों का वाकिफ रानुमा भी मोतबर चाहिए, दुआ गो मोतबर है तो दुआ भी मोतबर चाहिए, दुआ गो मोहरबान जनाब, दुआ गो मोतबर है तो दुआ भी मोतबर चाहिए, कहाँ है बिन खताबा है जहाँ पर दस्तखत कर दे या जारा का निकाह है तो गवाह भी मोतबर चाहिए, कहाँ है बिन खताबा है मेहरबानी जियो, दुआ गो मोतबर है तो दुआ भी मोतबर चाहिए, कहाँ है बिन खताब आए यहाँ पर दस्तखत कर दे जारा का निकाह है तो गवाह भी मोतबर चाहिए। आखिरी शेर पढ़ता पिया, दो कैनात दी अजीम हस्तियां आमने सामने बैठिया, कैनात दी दो अजीम हस्तियां आमने सामने बैठिया, उन्हें आपस में गुफ्तगू की थी और मैं गुफ्तगू कोट कर रहा पूरी उम्मत मुसलमान अगर ये रवायत आम का दी थी मैंने एक झगड़ा खत्म होता, कहना दिया दो अजीम हस्तियां अली को तकिया ते तक के हंस पे, नबी दे पहले वली दी गल है, नबी दा पहला वली जो रबाद लियो अबकर सिद्दीक है और अली नु तकना इबादत है, अली नु तकना इबादत है, अली को तकिया ते तक के हंस पे, नबी दे पहले वली दी गल है, अली जो पुछया ता वालदा साया जो याद आ गई नबी दी गल है केड़ी, कि रोजे महशर गजब दनी है मगर हिफाजत अली तो मिलसी, रोजे महशर गजब दनी है मगर हिफाजत अली तो मिलसी, ते पुल सराते तो हुआ टपसन जेनु इजाजत अली तो मिलसी, पुल सराते तो हुआ टपसन, पुल सराते तो हुआ टपसन जेनु इजाजत अली तो मिलसी, अली सुनिया ते हंस के बोले जो गल वाजे मजीद कर गए, ते मैंने भी हिकड़ी अकल ने बह के और एक जरूरी ताकीद कर गए केड़ी, ए तेरी उंगली है मेरी उंगली मुनाफकानू न पढ़ना देवे, जेड़ा न मन्ने अबू बकर नु तुसनु पुल तू टपड़ना रे।
पग खामियां कदन लुका सकदी। अगर दौड़ा सुन ते बूढ़े एक क्लैपिंग करके मेरे आखिरी दो दौड़े त्राए दौड़े जिंदाबाद में खुशाब दी जरजमीन ते कुलता बड़ी जरखेर जमीन है कासिम कालवाना रावी और खुशाब ही घट ला सी के पग खामियां कदन लुका सकदी। तुरा इतना ही पर्द नहीं होंदा छड़ा किलिया दी मलकियत तू कोई नस्ली फर्द नहीं होंदा चौं किलिया दी मलकियत तू कोई नस्ली फर्द नहीं होंदा ओ बंदा ही नहीं महसूस जनू किसे बैदा दर्द नहीं होंदा छड़ी चरतल राज ना डिठी कर हर मुछाला मर्द नहीं होंदा छड़ी चरत समील भाई छड़ी चरतल राज ना डिठी कर सुन ना पिछे राठा दी बदखोई दे विच आसिफ खान पंजाब पुलिस पिछे राठा दी बदखोई दे विच कमजर फण झक लग वेंदे इस दौर दे विच मुमकिन है कि जो नकली नक लग वेंदे रंग रूप दे यार भुलेखे भी कासिम कालवाना ते किवें आखणा है मुशायरा मुकाई खलोता मैं बिस्मिल्लाह जियो पिछे राठा दी बदखोई दे विच कमजार पर जक लग वेंदे इस दौर दे विच मुमकिन है कि जो नकली नक लग वेंदे रंग रूप दे यार भुलेखे भी जट कान बेशक लग वेंदे पिड़ लगे तराज असीलां दे हिक्के मिंट च पग लग वेंदे और कासिम कालवाना तू रावी दी सरजमीन इन्हें समय तेरी सरजमीन दे ना करना पया राय अहमद खान खरल दे ना दौड़ा करना पया कि जड़े बनते नहीं जड़े जमते जड़े बढ़ते नहीं थैंक यू जड़े बढ़ते नहीं जड़े जमते हैं लजन ईमान चले वे लड़पाल पलेंदे लज अपनी भावे लख नुकसान चले वे सारी जिंदगी दा पाबंद होंदे एक बार जबान चले वे साढ़े पास उस मरदा दिन जरा गल ते जान चले वे साढ़े पास उस मरदा दिन जरा गल ते जान चले वे और लगी रंग ता गुजरिया घड़िया दे दीवे जेन ते बाल के रखे सईद भाई लगी रंग ता गुजरिया घड़िया दे दीवे जेन ते बाल के रखे पिछे वे दवंजे रात बुलंदियां ताई रावलन दे भाल के रखे नाले वक्त परस्त खुशामतिया नू सदा बेली अटाल के रखे उच्चे डमेन ता जिक्के जाप लैन दे जिक्के सजन संभाल के रखे उच्चे डमेन ता जिक्के जाप लैन दे जिक्के सजन संभाल के रखे और उच्चिया दी नजर बस उत्ती उत्ती होंदी उन्हानु अपने सामे दिस दिन और राज तवज्जो काबिल नहीं जड़े फूल मुरझावे दिस दिन तू सच्चे शीश महला जिकल तेनु अपने नामे दिस दिन मोमिन बुलाई जंदा डी आले पासे मुंह होवे नु कदन पिछावे दिस दिन अजन ला जी यक तरफा भाई आसिफ ऑफिसर पंजाब पुलिस यक तरफा अक्सर यक तरफा प्यार होता यक तरफा प्यार दे जुर्म दे विच सारी उम्र सजा विच गल रह गई जद टकरे जुरत न साथ दिता खामोश निगाह विच गल रह गई उन पुछिया हाल ता अड़ अड़ के बेतार हया विच गल रह गई उन कार दे शीशे चाड़ दिते सड़ी रात हवा विच गल रह गई कासिम कालवाना हतमी आखिर आज दिल ते हाथ रख मैं एक अजीम हस्ती नु खराज तसीन पेश करना उस ना जित जेड़े लोग प्यार कर दें आखिरी मिसरे दे पता लगना चाहिए कि मैं किस की तरफ इशारा कर रहा मुमताज कादरी वास्ते बल्कि एडवांस क्लैपिंग होनी चाहिए आश के रसूल मुमताज कादरी वास्ते मैं कुछ शेर लिखे हैं भाई खालिकदाद बट्टी की फरमाइश है कि अजन लाल थिया मुस्लिम दा हाला खून चिट्टा ने अजन लाल थिया मुस्लिम दा हाला खून चिट्टा नहीं दिले अशराफ काले हिंद दिले ममनून चिट्टा नहीं और सजा गुस्ताख दी मौते दसा के टुर गया गाजी जो एक कानून काला है तो कोई कानून चिट्टा नहीं जो एक कानून काल शेर सुने कासिम कालवाना आज दिल ते हाथ रख सच सच दा से मुसलमान दा मतलब क्या जिंदाबाद कासिम कालवाना आज दिल ते हाथ रख बिस्मिल्लाह मैं जरूर मैं ये शेर एक चुके मैं मुमताज नू कादरी नू खराज तसील पेश करता पाया शेर आज दिल ते हाथ रख सच सच दस हे मुसलमान दा मतलब क्या ये इश्क नबी ने सीने विच वत राज ईमान दा मतलब क्या वत हिंदुस्तानी ठीक आसे इतने नुकसान दा मतलब क्या जिथे पाक नबी दी इज्जत नहीं उस पाकिस्तान दा मतलब क्या जिस जिथे पाक नबी दी इज्जत नहीं उस पाकिस्तान दा मतलब क्या कासिम कालवाना है बड़ा नफीस जे ख्याल सुनना चाहता
कि मैं कोई शय ना पर वे गिने तेनू क्या दा क्या कर दे सा। दावा सुन कासिम कलवाना जिंदाबाद बिस्मिल्लाह जियो। मैं कोई शय ना पर वे गिने जिंदाबाद बिस्मिल्लाह। मैं दात तेरे को ले ली तेरी फरमाइश ही दा दे। मैं कोई शय ना पर वे गिने तेनू क्या दा क्या कर दे सा। तू अख टकरा मैं अख दे राह तेरे दिल ताई राह कर दे सा। तू राज हकूक अदा ना कर मैं फर्ज अदा कर दे सा। चलो सिफर समझ के नाल रला तै एक रुदा कर। और कसम कलवाना ज़ेन रखनी सिफर रदी और शुराकरा वास्ते कि इन उजड़े हां जो वसण दा रिया नहीं इमकान सिफर दा। इन उजड़े हां जो वसण दा रिया नहीं इमकान सिफर दा। उदी गोल च रस्ते गोल मिले जिने गोल निशान सिफर दा। हुण कोई बंदा बेशक छोड़ वने होंदा नहीं अरमान सिफर दा। असर सिफरा राज तू कर गिन से कितना नुकसान सिफर दा। असर सिफरा राज तू कर गिन से कितना नुकसान सिफर दा। हतमी शेर आखिरी बहरहाल दोस्तों की फरमाइश में बार बार आखिरी शेर दे पिया जी। हाथ शाह गिन बिस्मिल्लाह जियो उतरा साहब मैं सुनना मैं हाथ चाग मेहरबानी प्रा साहब। हाथ चाग इन उसने पैर तू ना वक्त बजा उन मंजन दे। हाथ चाग इन उसने पर मजरा भाई इकबाल साहब। हाथ चाग इन उसने पैर तू ना वक्त बजा उन मंजन दे। शौकीन है नवियां संगतां दा गिने शौक लहा उन मंजन दे। जिवें उसदा है इन्हें साडा भी निगेबान खुदा उन मंजन दे। रुत्त वलन तो सजन भी वाला ने रुत राज वाला उन मंजन दे उन मंजन दे। और शेर समाज फरमैसो के दिल अपना खास तौर कसम करो और दूल्हा भाई वास्ते स्पेशल तौर से कि तेनू वेखण मौत सजा होवे बंदा भर जुर्माना वेखे। तेनू वेखण मौत सजा होवे बंदा भर जुर्माना वेखे। जिमें राज निमाशे शम्मा नू बिर बिर परवाना वेखे। और मैडा दावे होश च आवे सी एक बार दीवाना वेखे। वो नहीं भी शहर तबण वे सी जेड़ा तेन रोजाना वेखे। और महसूस न कर बिस्मिल्लाह जियो रुस्तम जाया महसूस न कर मजबूरी हाई पिछू भाज के राल ना सके। महसूस न कर मजबूरी हाई जवेद भाई पिछू भाज के राल ना सके। मखसूस मिजाज दी वजह तू क्यों जो चाल बदल ना सके। कासिम कलवाना मखसूस मिजाज दी वजह तू क्यों जो चाल बदल ना सके। हालात दी राज कोठालियां विच गल गल के ढाल ना सके। किसी और मुल्क दे नोटा से तेरे मुल्क के चल ना सके। किसी और मुल्क दे नोटा से और नवा ख्याल सोच से कासिम करवाना मोबन मुलाई खड़केंदी खंडर वफामा दा रूह बंद दरवाजा रह गई। खड़केंदी खंडर वफामा दा रूह बंद दरवाजा रह गई। अख पढ़दी राज मोहब्बत दा सारी उम्र जनाजा रह गई। अख पढ़दी राज मोहब्बत दा सारी उम्र जनाजा रह गई। खुद दस पांच सारी शायरी दा एक सोच तकाजा रह गई। हर चीज पुरानी तरकवे दी तेरी याद क्यों ताजा रहे। जेड़ी सिख सरकार दी दिल चे एक रब ते एक मेरा दम जाने। तेरी साम समझ के सा लेना मेरी गल नु सजन कसम जाने। जदा मैं जीना ता जिंद जीवी बात तू क्यों गम नु गम जाने। अद्दे मुंह नाल हुक्म च कीता कर घर आस्ते रा।